हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये खूबसूरत सा विंटर फ्लावर जो कि है साल्विया, तो इसके सीड कलेक्शन के बारे में। इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस प्लांट की सीड को हम किस तरह से कलेक्ट करें। अभी तो ये प्लांट हमारे गार्डन में थोड़े लंबे समय तक रह सकता है, काफ़ी अच्छा प्लांट होता है और तो हल्की फुल्की धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है। जब टेम्परेचर बहुत अधिक होती है तभी इस प्लांट को प्रॉब्लम होती है, वरना ये प्लांट हमारे गार्डन में अभी और समय तक रह सकता है। लेकिन हमें जो सीड कलेक्ट करनी होती है इसके फूल खिलते हुए स्थिति में ही कलेक्ट करनी होती है, तभी हम इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसके सीड खुद ब खुद झड़ जाते हैं और हम उसे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके सीड हमें कैसे कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके फ्लावर्स कैसे खिलते हैं। एक लंबे स्टॉक जैसे निकलता है और धीरे धीरे नीचे से फूल खिलते हुए ऊपर की ओर आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ये सारे फूल खिल चुके हैं और ऊपर यहाँ पे ये अभी भी खिलना बाकी है। तो इस तरह से इसमें अभी फ्लावरिंग चलते रहती है और नीचे से फ्लावर धीरे धीरे स्पेंड होते रहता है और ऊपर की तरफ खिलते रहता है। तो जैसे जैसे नीचे फ्लावर स्पेंड होने लगते हैं तो उसमें सीड भी बनने लगते हैं। तो पूरा स्टॉक सूखने से पहले ही ये नीचे के जो ये फ्लावर्स होते हैं इनमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए, आपको मैं दिखाऊँ, ये आप इसके अंदर अगर देख पा रहे होंगे तो ये वाइट वाइट से जो दिख रहे हैं ये बाद में इसके सीड बनते हैं। जब तक ये पूरे स्पेंड हो, पूरा स्टॉक स्पेंड होगा, तब तक इसके नीचे के फ्लावर्स जो हैं वो सूख के झड़ जाएंगे, तो हम फिर इसके सीड नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, वो यहाँ वहाँ बिखेर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता फिर इसके सीड कौन से हैं। तो इसके सीड कलेक्ट करने के लिए हमें इसके पूरे स्पेंड होने के पहले ही इसको सीड कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये पूरा मेरा स्टॉक लंबा सा हो गया है, यहाँ ऊपर फ्लावरिंग हो रही है लेकिन यहाँ नीचे मेरे सूख गया है। तो मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है यही है इसके सीड्स। तो यही है रीज़न इसे हमें सही टाइम पे कलेक्ट करने का। अगर हम अभी नहीं कलेक्ट कर पाए तो हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं इसके सीड, जो कि झड़ के बिखेर जाते हैं। तो फ्लावर पूरा स्पेंड होने से पहले ही हमें इसके सीड कलेक्ट कर लेने हैं। तो जैसे कि देखिए आप, मैं दिखाऊँ, देखिए जरा सा हाथ लगते ही इसके सीड झड़ गया। तो ये है इसके सीड, कलौंजी के जो दाने होते हैं बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं इसके सीड। तो इसके एक फ्लावर जो होता है, इसका जो एक फ्लावर होता है उसके अंदर दो तीन ऐसे सीड निकल जाते हैं। तो अगर आपको सीड कलेक्ट करना है तो आपको यही राइट टाइम होता है, इसी टाइम आपको सीड कलेक्ट करना है। और सीड कलेक्ट करने के बाद आपको जितना सीड्स कलेक्ट करना है आप कर लें, उसके बाद ये पूरा स्टेम को कट आउट कर दें। अगर आप इसे प्लांट में छोड़ देंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मैं इसी तरह से इसके सीड्स कलेक्ट करती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा प्लांट साल्विया के नहीं लगाती हूँ, एक या दो ही प्लांट लगाती हूँ। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेम को कट करके रखा है जो कि ड्राई, लगभग ड्राई हो गया था। और आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, वो सारे हैं इसके सीड्स। अब अगर हम इसे सेव ना करें तो ये हमारे झड़ के बिखेर जाते हैं। जैसे देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ सीड कलेक्ट करके रखे हैं और ये सारे हैं साल्विया के सीड। इस सीड को अगर हम सेव कर लें तो अगले विंटर सीजन में हम साल्विया के प्लांट को खुद ही ग्रो कर सकेंगे, हमें नर्सरी से परचेस करके लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं कुछ एक फ्लावर्स दिखा रही हूँ आपको, जिसमें देखिए ये है सीड्स और देखिए ये निकल आए सीड्स, देखिए निकल आए सीड्स। तो इस तरह से इसके सीड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। बस थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि फ्लावर का पूरा सूख जाने से पहले ही हमें इसके सीड्स कलेक्ट कर लेने हैं, वरना इसके सीड्स सारे झड़ जाएंगे और हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से साल्विया के सीड्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद इसे हम एक एयर टाइट पाउच में डाल के इसे सेव करके रख ले, ऐसी जगह जहाँ इसे डायरेक्ट धूप या रोशनी ना मिले, तो किसी डब्बे
में पैक करके रख सकते हैं इसे। तो इस तरह से अगर रखें तो हम इसे सालों भर रख सकते हैं और अगले सीजन में हम ढेर सारे प्लांट खुद ही तैयार कर सकते हैं। ये था आज का मेरा ये खूबसूरत सा प्लांट साल्विया के प्लांट के बारे में जानकारी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आप अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।